शिवहर की बीजेपी सांसद रमा देवी के विवादित बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कुढ़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद रमा देवी ने ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर इशारा किया और ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा दे दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ढाका तो पाकिस्तान में ही है ना, और पवन जायसवाल जी ढाका से जीतकर विधायक बने हैं। हम लोग पाकिस्तान जीतकर आए हैं और पवन वहां के विधायक हैं। हालांकि ये बातें उन्होंने बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल का परिचय देते हुए हंसी मजाक और अनौपचारिक रूप से कही, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। दरअसल ढाका विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। रमा देवी के इस बयान को जन अधिकार पार्टी ने आड़े हाथों लिया है और इसे शर्मनाक बताया है। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने रमा देवी सहित अन्य भाजपा नेताओं को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ढाका को पाकिस्तान कहना और पवन जायसवाल को पाकिस्तान का विधायक कहना काफी शर्मनाक है। क्या रमा देवी भूल गई हैं कि ढाका के 3 लाख से अधिक वोटरों ने उन्हें कई बार सांसद बनाया है? क्या वे पाकिस्तानी हैं? क्या ढाका में जो हिंदू और मुसलमान हैं वे पाकिस्तान के नागरिक हैं? क्या ढाका पाकिस्तान में आता है? अगर सांसद रमा देवी और पवन जायसवाल ढाका की जनता से माफी नहीं मांगे तो इसको लेकर आर पार की लड़ाई होगी। आपको बता दें कि रमा देवी शिवहर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस सीट में ढाका विधानसभा क्षेत्र भी आता है। वहीं पवन जायसवाल ढाका से दूसरी बार विधायक बने हैं, पहली बार निर्दलीय तो दूसरी बार बीजेपी कोटे से उन्हें जीत मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।